हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आपने राशन कार्ड में नए फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपके घर में कोई ऐसे मेंबर है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, आप उनका नाम जोड़ना चाहते हैं और आप या फिर जोड़ भी दिए होंगे, उनका जो स्टेटस है अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है, या फिर आप किसी का मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है, आप काफ़ी दिन हो गया है, परेशान हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे कैसे अप्रूव करवाना है, आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो राशन कार्ड में स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है वो अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे आपको यहाँ पे अप्रूवल करवाना है, क्या इसका प्रोसेस है, आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप अपने राशन कार्ड में न्यू फैमिली मेंबर को ऐड किए हुए हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट किए हुए हैं, या फिर आप किसी के नाम में करेक्शन किए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राशन कार्ड में अगर आप फैमिली मेंबर को ऐड कर दिए हैं या फिर मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं या फिर किसी के नाम में करेक्शन किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लिखना है मेरा राशन 2.0। पहले आपको कैसे प्रोसेस करना है वो आपको ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है मेरा राशन 2.0, आपको इस पर आपको लिख के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऐप देखने को मिल रहा है इसको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं तो इसको अपडेट कर लेना है। 21 अगस्त 2024 को इसका लास्ट अपडेट हुआ है तो इसको पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ अलाउ करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी यूजर, डिपार्टमेंट्स यूजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट्स यूजर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आधार नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड को टाइप करना है। इसके बाद आपको नीचे देखने में लॉग इन विथ ओटीपी का एक ऑप्शन, आपको लॉग इन विथ, जैसा आप देख सकते हैं, डिटेल को फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद लॉग इन विथ ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके, आपके अकाउंट में भर, आपके आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी को भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आया रहेगा वही ओटीपी का आपको फिल कर देना है। चलिए यहाँ पे ओटीपी को हम फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ओटीपी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओटीपी को फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करके वेरीफाई करिएगा तो आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे देखने को मिलता है क्रिएट एम पिन, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट योर एम पिन, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्किप भी कर सकते हैं या फिर क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से आपको एक एम पिन को क्रिएट कर लेना है। चलिए एम पिन को भी क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर से आपको वही एम पिन को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको क्रिएट एम पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, योर एम पिन हैज बीन सेव्ड, आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा अभी इस पेज में लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप राशन कार्ड को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ नए मेंबर को जोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे जाना चाहते हैं जो भी आपके डीलर हैं डीलर को आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में कितने डीलर हैं, आप राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, राशन कार्ड को किसी के नाम पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जा रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, अपना सेल रिसिप्ट भी देख सकते हैं आप, कितने का सेल किए हुए, मतलब कितने का आपको सामान मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको ऊपर देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 लाइन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे यहाँ आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री का एक ऑप्शन, आपको हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हिस्ट्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे जितना भी वर्क किए रहेंगे, यानी कि ऐड फैमिली मेंबर किए रहेंगे, मोबाइल नंबर अपडेट किए रहेंगे या फिर किसी का भी करेक्शन किए रहेंगे, तो यहाँ पे सबका डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा और सबका KYC देख सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग ही दिखा रहा है, ठीक है, अप्रूव नहीं हो रहा है, पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो कैसे आपको अप्रूवल करवाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है व्यू का एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर आपको ये जो हिस्ट्री है आपको इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, पहले आपको एक बार इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा एक बैक का ऑप्शन, आपको बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है माई ग्रीवेंस का, ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माई ग्रीवेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे करिएगा तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा, आपको इसको छोड़ देना है, कोई बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखने था ऐड न्यू ग्रीवेंस का ऑप्शन, आपको ऐड न्यू ग्रीवेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको देखता है सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन, अब यहीं से आपको ध्यान से देखना है, आपको सेलेक्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने था राशन कार्ड नॉट अपडेटेड, ठीक है, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 200 वर्ड में आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको लिख के भी बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, डियर सर, मैं अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट और न्यू मेंबर को ऐड किया हूँ। आप जो भी किए रहिएगा आपको अपने अनुसार यहाँ पे टाइप करना है, जो अभी तक पेंडिंग है उसे अप्रूव करने का कृपा करें, आपका अति कृपा होगा। इस बात यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना और आपको अपना नाम लिख देना है और अपने राशन कार्ड नंबर को भी लिख देना है। एक बार आपको नीचे आना है, यहाँ आपको देखना मोबाइल नंबर, तो चलिए एक मोबाइल नंबर को टाइप कर लीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर देखना अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे ब्राउज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ब्राउज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यहाँ आपको देखना चूज फाइल सोर्स, आपको यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसका आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ देखते हैं अटैच हो चुका है, बस आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, यानी कि जो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर के पास जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं टाइम भी देखते हैं 3 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे 11:58 ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो यहाँ आपको देखने जाएगा टाइम और डेट भी देखने को मिल जा रहा है। बस आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इतना आप कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता है ओके का ऑप्शन, आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब उतना करने के बाद अगर आपका फिर भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तब आपको यहीं पर आना है, ठीक है। फिर से आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके यहीं पर आना है और यहाँ आपको देखने में जाएगा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, आपको कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या फिर आपको कहीं पर लिख के रख लेना और अपने ईमेल आईडी से उनको अपने डॉक्यूमेंट को भेज देना है, तो वहां से आपका वेरीफाई करके आपका जो अप्रूवल है अप्रूवल कर देंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, फोन नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर से आप बात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरीके को आजमा लेना है। आप अगर ग्रीवेंस फाइल से ही आपका काम हो जा रहा है तो आपको ग्रीवेंस कर लेना है, अगर ग्रीवेंस से भी काम नहीं हो पा रहा तो आपको ईमेल आईडी पर उनके मैसेज कर देना है और मैसेज करना उसी तरीके से मैसेज करना है, डॉक्यूमेंट को वहाँ पे भेज देना है, वहाँ से आपका डिटेल देख के वो लोग वहाँ से अप्रूवल कर देगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने में देख सकते हैं फोन नंबर भी दिया हुआ है, डेस्कटॉप नंबर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल से बात करके अपना अप्रूवल ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।